यूपी के कुशीनगर में वृक्षारोपण कार्यक्रम रखा गया जिसमें करीब 2800 पौधे लगाए गए। आपको बता दें कि आने वाली पीढ़ियों को दूषित पर्यावरण से बचाने के लिए आकांक्षा समिति की अध्यक्षता ममता सिंह ने कोप जंगल वृक्षारोपण किया और लोगों को भी पौधे लगाने के लिए प्रेरित किया। वृक्षारोपण आज के डेट में इसलिए भी ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारी हवाएं, पानी सब अशुद्ध हो रहा है। आने वाले 10 सालों में अगर हम लोग नहीं जागेंगे तो हमने ये दुनिया हमारे लिए रही नहीं जाएगी। ना तो हम अशुद्ध हवा में सांस ले पाएंगे और ना हम अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को कुछ दे पाएंगे। तो आज के डेट में वृक्षारोपण हम अपने नए, अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए जीवन दे रहे हैं जिसमें वो शुद्ध हवा ले सकते हैं, जीवन मतलब सांस ले सकते हैं। वृक्ष के बिना ऑक्सीजन शुद्ध नहीं होगा। हमारा आने वाली पीढ़ियाँ अभी आप देखेंगे जिस एरिया में ज़्यादा प्रदूषित पानी है, हवा है, वहाँ के बच्चे अभी ही कुपोषण शिकार हैं और उनमें तरह तरह की तमाम विकृतियाँ आ रही हैं जिसके कारण वो 10 से 12 साल के बाद सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसी पीढ़ी हमारे, अगर हमने अभी ध्यान नहीं दिया तो आने वाले हर जगह में ऐसे ही बच्चे, ऐसे ही मनुष्य होते जाएंगे। तो हमने पहले तो ज़मीन खरीदा, घर बनाया, ये पर हमने कभी ये ध्यान ही नहीं दिया कि जो ज़मीन, जो घर हमने बना रहे हैं, जो हमने बच्चों के लिए प्रॉपर्टी कर रहे हैं, उस वो बच्चे हमारे सांस कैसे लेंगे। शुद्ध हवा नहीं है, शुद्ध पानी नहीं है, पानी का स्तर गिरता जा रहा है। पानी के स्तर को रोकने के लिए भी वृक्ष की ज़रूरत है और कहते हैं कि उनके जड़ों से ही पानी का स्रोत रुकता है। तो वृक्षारोपण आज के डेट में बहुत ही ज़रूरी है। सभी एक एक मनुष्य को ये जान लेना चाहिए कि हर आदमी अपने नाम से कम एक पौधा लगाए हर साल और उसका जीवन देखता, मतलब वो मरना नहीं चाहिए। अगर हम पौधे लगा के और छोड़ दिए तो कोई फ़ायदा नहीं है, बकरी खा जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जो हम पौधे लगा रहे हैं उसकी सुरक्षा हो रही है कि नहीं, इसकी निगरानी भी बहुत ज़रूरी है। तो जो भी अपने हमारे इस आकांक्षा के मेंबर्स जो हैं, ये कहते हैं कि महिलाएं बहुत एक्टिव होती हैं, हर चीज़ों को संरक्षित करती हैं, समेटती हैं। तो यही हमारी आग्रह है कि वो जहां भी रहें हर साल अपने नाम से, अपने बच्चों के नाम से एक पौधे लगाएं और उसकी सुरक्षा के लिए एक टीम बनाए, कम से कम वो जब तक सर्वाइव नहीं, क्योंकि 5 साल ही सुरक्षित करना होता है पेड़ को, उसके बाद तो वो अपने आप ही ग्रो करने लगता है।